हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम अपने वीडियो में पिछले में डिस्कस किए थे लेथ मशीन्स के बारे में, तो आइए इस वीडियो में हम आगे कुछ डिस्कस करते हैं उसके कुछ और बेसिक ऑपरेशंस के बारे में। पिछले आप वीडियो में हमने नर्लिंग देखा था, उसके बाद शोल्डर वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली टेपर टर्निंग के बारे में। तो टेपर टर्निंग को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं टेपर क्या होता है, टेपर में क्या क्या चीजें होती हैं और टेपर को किस प्रकार से काटा जाता है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि टेपर क्या होता है, तो टेपर इज ए यूनिफॉर्म इंक्रीज और डिक्रीज इन ए डायमीटर अलोंग द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर। जो कोई सिलेंड्रिकल जॉब है, सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, बेलनाकार जॉब है, तो लंबाई के अनुदेश उसके जो डायमीटर में एक समान रूप से कमी या एक समान रूप से वृद्धि को ही क्या कहते हैं, टेपर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, तो इधर डायमीटर क्या है, ज्यादा है और दूसरे तरफ डायमीटर क्या है, कम है। बट ये जो कमी है या वृद्धि है ये क्या है, एक समान रूप से है। तो इसी को क्या कहा जाता है, टेपर कहा जाता है। हिंदी में कहा जाए तो किसी भी जॉब के व्यास में एक समान रूप से या एक समान रूप से कमी को या वृद्धि को ये क्या कहते हैं, टेपर कहते हैं। टेपर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई क्या है, वर्क पीस है, ठीक। तो इधर वर्क पीस का क्या है, ये बड़ा वाला डायमीटर है, तो इसे हम कैपिटल डी से लिखते हैं। कैपिटल डी मतलब बिग डायमीटर, जो बड़ा वाला डायमीटर होता है। इसके बाद जो दूसरा सिरा होता है जिसका डायमीटर कम है, इसे स्मॉल डी से लिखते हैं। स्मॉल डी बराबर स्मॉल डायमीटर, जो छोटा व्यास होता है। इसके बाद जो आपकी पूरी लंबाई जो कैपिटल एल है, कैपिटल एल होता है टोटल लेंथ ऑफ जॉब, जो भी जॉब दिया गया है, वर्क पीस दिया गया है उसकी पूरी लंबाई कितनी होती है उसे हम कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। आफ्टर दैट स्मॉल एल टेपर लेंथ ऑफ जॉब, मीन्स जितना आपका व्यास एक समान है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद कितने लंबाई में जॉब में टेपर काटा हुआ, मतलब टेपर है, यहाँ तक जॉब क्या है, एक समान रूप से है, इसमें टेपर नहीं है, बट यहाँ से क्या है, जॉब के व्यास में कमी हो रही है। तो कितने लंबाई में जॉब के व्यास में कमी है या टेपर है उसे हम स्मॉल एल से लिखते हैं, टेपर लेंथ ऑफ जॉब। नेक्स्ट, अगर इस स्मॉल वाले जॉब का जो स्मॉल डायमीटर है इसके दोनों सिरों को आगे बढ़ाया जाए तो एक बिंदु पर ही मिलते हुए प्रतीत होते हैं। फिर इसके बाद जो इनके बीच का कोण बनता है उसको डिनोट किया जाता है थीटा से। तो थीटा क्या है, बेसिकली इंक्लूडेड एंगल ऑफ जॉब है या टेपर है इन डिग्री में। ये जो एंगल होता है ये केवल यहीं तक बनता है, थीटा दोनों लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाता है। तो अगर पूरा इंक्लूडेड एंगल लेना है तो हम 2 थीटा लेंगे, और सिंगल लेना है तो केवल थीटा लेंगे। थीटा क्या है, बेसिकली इंक्लूडेड एंगल है, मतलब कितने डिग्री पर यह जॉब टेपर में बना हुआ है। तो ये है टेपर के कुछ एलिमेंट। अब इसके बाद देखते हैं टेपर को हम कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे उसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो सबसे पहला है टेपर को बिग डायमीटर, स्मॉल डायमीटर एंड टेपर के लेंथ के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर आपको पता हो जाए कि उसका कैपिटल डी कितना है, स्मॉल डी कितना है और उसका लेंथ कितना है, तो हम आराम से टेपर निकाल सकते हैं। तो टेपर को प्रदर्शित करने की सबसे पहली विधि होती है उसका बड़ा डायमीटर, स्मॉल डायमीटर और टेपर के लेंथ के रूप में उसको डिनोट कर दिया जाए, प्रदर्शित कर दिया जाए। नेक्स्ट है गिविंग टेपर रेशियो, टेपर को रेशियो के रूप में प्रदर्शित करना, उसे अनुपात के रूप में प्रदर्शित करना। जैसे कि मान लीजिए दिया गया है रेशियो 1:30। अब 1:30 का क्या मतलब है, अगर कोई 30 mm का क्या है जॉब है, जैसे कि मान लीजिए इसी जॉब की टोटल लंबाई कितनी है, एल बराबर 30 mm है, ठीक। तो अगर इस वाले सिरे का जॉब का डायमीटर 30 mm है, तो इस वाले सिरे का अगर जॉब का डायमीटर देखेंगे तो ये 29 mm होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों के व्यास में क्या होगा, 1 mm का अंतर आएगा दोनों सिरे पर। 1:30 का मतलब क्या है, अगर एक सिरे का व्यास क्या है 30 mm है, तो दूसरे सिरे का व्यास क्या होगा, 29 mm होगा। उन दोनों के व्यास में अंतर कितना आएगा, 1 mm का आएगा।
ठीक ऐसे 1:20 है, 1:50 है, 1:50 का मतलब क्या, दोनों सूर्य के व्यास में अंतर 1 mm आएगा। ठीक, अगर 50 mm लेंथ में हम देखें तो उसके व्यास में अंतर कितना आएगा, 1 mm का आएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है गिविंग इंक्लूडेड एंगल ऑफ द टेपर। मान लीजिए टेपर है तो उसका हम इंक्लूडेड एंगल दे दें कि थीटा बराबर 10 degree, 10 degree पर टेपर काटा गया है, या फिर 20 degree पर टेपर है, या फिर 5 degree पर टेपर है, तो हम एंगल देकर भी टेपर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गिविंग टेपर पर फुट और पर मिनट। जैसे कि मान लीजिए दे दिया गया 5/8 inch प्रति फुट टेपर है, मतलब 1 foot में 5/8 inch क्या है, टेपर है, या फिर दे दिया गया 1/2 mm पर फुट, सॉरी पर मीटर। अगर 1 meter लंबा कोई जॉब है तो उसमें 1/2 mm का क्या है, टेपर है, मतलब दोनों सिरों के व्यास का अंतर क्या आएगा, 1/2 mm आएगा। तो टेपर को पर फुट और पर मिनट में भी दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है मेंशनिंग बाय स्टैंडर्ड टेपर। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है MT5, तो MT5 का मतलब क्या है, मोस्ट टेपर नंबर 5। अब ये क्या है, एक स्टैंडर्ड टेपर है जिससे हम उसके साइज का पता लगा सकते हैं। तो ये थी टेपर को व्यक्त करने की विधियां, कि किन किन विधियों से हम टेपर को व्यक्त कर सकते हैं, तो उसे पिक डायमीटर, स्मॉल डायमीटर और टेपर लेंथ से, दूसरा उसके रेशियो के द्वारा, तीसरा है इंक्लूडेड एंगल के द्वारा, चौथा है टेपर पर फुट या टेपर पर मिनट के द्वारा, और जो पांचवा व्यक्त करने की विधि है वो टेपर के जो इंक्लूडेड एंगल उसके स्टैंडर्ड के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं कि आखिर कोई टेपर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कन्वर्जन के बारे में देख लेते हैं। टेपर में जो इसके एलिमेंट हैं एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेट है, अगर उसे हमें ज्ञात करना है तो कौन सा फार्मूला किस चीज को ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट ऑफ टेपर, जो भी उसके अवयव है उसके बीच क्या क्या आपसे संबंध है। तो सबसे पहले टेपर कोनिसिटी निकालनी होती है। टेपर कोनिसिटी को प्रदर्शित किया जाता है K के द्वारा। अगर आपको K निकालना है, टेपर कोनिसिटी निकालना है, तो इसके लिए 3 चीजें पता होनी चाहिए, कैपिटल D, स्मॉल D और L। तो ये फार्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि K बराबर क्या होता है, तो D - D/L। कैपिटल डी में से स्मॉल डी हटा के और फिर क्या करना है, स्मॉल डी से उसको डिवाइड कर देना है, तो आपको टेपर कोनिसिटी या फिर टेपर रेशियो भी इसी को कहा जाता है वो पता चल जाएगा। इसके बाद ये हमें निकालना है इंक्लूडेड एंगल, किन के बीच पर जो झुकाव है वो कितने डिग्री है, तो उसको हम बेसिकली प्रदर्शित करते हैं टेन थीटा के द्वारा। टेन थीटा बराबर होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा 2L। यहाँ पर अगर कोनिसिटी निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, तो केवल 1L लेते हैं, और अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो वहां पर 2L की वैल्यू ली जाती है, डबल लंबाई ली जाती है। तो tan थीटा बराबर d माइनस d बाई 2L, जहां पर थीटा क्या है, 2θ इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल। अगर इंक्लूडेड एंगल दिया गया है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 2θ होगा, और डायरेक्टली दिया गया है थीटा बराबर इतना डिग्री है, तो वहां से हम काम चला लेंगे। तो अगर tan थीटा वैल्यू निकालना है तो ये फार्मूले का प्रयोग करना होगा। इसके बाद मान लीजिए अगर आपको कैपिटल डी स्मॉल डी नहीं दिया गया है, टेपर पर फुट या टेपर पर मिनट दिया गया है, तो वहां से कैसे हम tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो वहां से अगर हमें इंक्लूडेड एंगल tan थीटा की वैल्यू निकालना है और दिया गया है टेपर पर फुट, फुट में टेपर दिया गया है, तो उसको क्या करेंगे, 24 से डिवाइड करके हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, टेपर पर फुट बटा 24, यह है ब्रिटिश सिस्टम के लिए। और यह टेपर क्या दिया गया हो, पर मिनट में दिया गया हो, उसके लिए हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, टेपर प्रति मिनट को डिवाइड कर देंगे 2000 से। ठीक, टेपर पर मिनट को डिवाइड कर देंगे 2000 से, तो हमारा क्या निकल आएगा, tan थीटा जो भी उसका इंक्लूडेड एंगल होगा वो निकाल आएगा। इसके बाद अगर आपको K की वैल्यू पता है, मान लीजिए रेशियो पता है, और आपको निकाला है कि tan थीटा कितना होगा, तो आप सिंपल सा देख सकते हैं, इसी को अगर हम यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाता है, ये आपका टेपर रेशियो हो गया। इसी को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाता है,
टेन थीटा की वैल्यू मिल जाती है। तो नेक्स्ट होता है टेन थीटा बराबर रेशियो बटा दो। अगर आपको रेशियो दिया गया है तो उसे दो से डिवाइड कर देने पर भी हमें इंक्लूडेड एंगल का पता चल जाता है। तो ये कुछ फार्मूलेस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ज्यादा ज्यादा के की वैल्यू पूछी जाती है और उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू पूछी जाती है, तो ये दोनों फार्मूले बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसमें एक और जब हम पढ़ेंगे ऑफसेट करने की विधि के बारे में, जहां पर टेलीस्टॉक द्वारा जब ऑफसेट काटना होता है तो वही हम इसमें क्या करते हैं, कैपिटल एल से गुणा कर देते हैं। तो ये वाला कब आता है, कैपिटल एल से गुणा करने वाला, तो ये होता है जब हमें ऑफसेट विधि द्वारा टेपर काटना होता है। बट अगर एंगल निकालना है तो वहां हम एल का कोई मतलब, कैपिटल एल का मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं टेपर के प्रकार के बारे में कि टेपर को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो बेसिकली इसे दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सेल्फ होल्डिंग टेपर और दूसरा होता है क्विक रिलीजिंग टेपर। जो सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है, सेल्फ होल्डिंग टेपर बहुत कम एंगल पे काटे जाते हैं, इनका एंगल बहुत कम होता है, तो इसलिए इट डजंट रिक्वायर एनी लोकेटिंग लॉकिंग डिवाइस। इनका एंगल बहुत कम होने के कारण जब भी इसे हम क्या करते हैं, दो भागों को आपस में फिट कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें किसी लॉकिंग डिवाइस जैसे नट बोल्ट स्क्रू इस सब की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि जो इनका इंक्लूडेड एंगल होता है बहुत कम होता है, मैक्सिमम 3 डिग्री के आसपास रखा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो सेल्फ होल्डिंग टेपर होते हैं मैक्सिमम कितने डिग्री का उनका एंगल होता है, तो 3 डिग्री का होता है। एंगल कम होने के कारण ही हमें किसी भी लॉकिंग डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है कंपोनेंट को होल्ड करते समय। जैसे कि जो ड्रिल हो गया, रीमर हो गया, स्लीव हो गया, इस सब की जो टेपर शैंक होती है, इस पर जो टेपर कटिंग होती है वो बेसिकली सेल्फ होल्डिंग टेपर ही होती है। हम क्या करते हैं, ड्रिल टेपर शैंक ड्रिल को ले जाकर मशीन स्पिंडल में फिट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसे होल्ड कर लेता है। इसके बाद हमें उसमें किसी भी लॉकिंग डिवाइस या क्लंपिंग डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है ड्रिल को स्पिंडल में होल्ड करने के लिए। तो ये होते हैं सेल्फ होल्डिंग टेपर। दूसरा हो गया क्विक रिलीजिंग टेपर। क्विक रिलीजिंग टेपर का जो एंगल होता है सेल्फ होल्डिंग के अपेक्षा काफी ज्यादा होता है, तो एंगल ज्यादा होने की वजह से यहाँ हमें इसको होल्ड करने के लिए लॉकिंग डिवाइसेस की जरूरत होती है। तो इट हैज ग्रेटर टेपर एंगल व्हिच रिक्वायर्ड लॉकिंग डिवाइस फॉर होल्डिंग। मतलब इस प्रकार के जो होते हैं चीजें कंपोनेंट्स, उसको हमें होल्ड करते समय लॉकिंग डिवाइस के लिए हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि मिलिंग मशीन का आर्बर है या फिर मिलिंग मशीन का जो स्पिंडल है उसमें जो टेपर कटा होता है वो बेसिकली क्विक रिलीजिंग टेपर होता है। इसके साथ साथ जो टेपर शैंक जितने भी कटर आते हैं मिलिंग मशीन में, जितने भी कटर प्रयोग किए जाते हैं टेपर शैंक वाले, उसमें भी जो टेपर होता है वो क्विक रिलीजिंग टेपर ही होता है। तो इन सब टेपर को होल्ड करते समय कंपोनेंट को लॉकिंग डिवाइस की जरूरत होती है। ये थे टेपर के कुछ एलिमेंट और उसके बेसिक अवयव के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे टेपर के जितने भी प्रकार हैं कि कौन कौन से टेपर यूज किए जाते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है जो मोस्ट टेपर होता है और स्टैंडर्ड पिन टेपर होता है वही सेल्फ होल्डिंग टेपर के अंतर्गत आते हैं। बाकी जितने भी टेपर होते हैं वो दोनों होते हैं, सेल्फ होल्डिंग भी होते हैं और क्विक रिलीजिंग भी होते हैं। केवल जो मोस्ट टेपर है और स्टैंडर्ड पिन टेपर है वही सेल्फ होल्डिंग के अंतर्गत आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।